सरस्वती को नमन करती हूँ। मैं श्रेया सिंह, कक्षा 8वीं की छात्रा, आज BSF सीमा सुरक्षा बल के ऊपर कुछ बोलने जा रही हूँ, जो आज हमेशा तत्पर रहते हैं। सीमा सुरक्षा बल का आज स्थापना दिवस है, यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यह हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दरअसल 1 दिसंबर को ही 1965 में BSF का गठन किया गया था। BSF एक ऐसी फौज है, हम सभी का सीमा पर रक्षा करती है, इसे पहली पंक्ति भी कहते हैं। BSF भारत संघ के 5 सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। भारत माता के वीर जवान हमेशा हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। BSF अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा करते हैं। अब मैं अपने स्पीच से हट के आप सभी के समक्ष कुछ कहने जा रही हूँ, क्योंकि हम उस मुल्क में रहते हैं सर, जहाँ आप मुझे बहुत ही जिम्मेदारी से ये कहने का अधिकार दीजिएगा। अभी 14 फरवरी, 4 साल पहले हमारे देश में पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें 44 जवान शहीद हुए थे। यहाँ पर आज कोई भी व्यक्ति उन्हें याद नहीं रखा है, पर विराट कोहली की शादी कब हुई, प्रियंका चोपड़ा की शादी कब हुई, एक एक खबर हमें मिल जाती है। प्राथमिकताएं कहाँ चली गई सर? हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ एक कसाब पर भारत की सरकार 65 करोड़ रुपए खर्च कर देती है, और दिनेश MN जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर 5 साल तक जेल के सीख चौकी पीछे बंद रहता है, क्योंकि उसने अरेस्ट करने के वजह एक आतंकवादी का एनकाउंटर कर दिया था। अरे, जिनके कंधे के स्टार्स बढ़ने चाहिए थे उन्हें हमने जेलों में कैद रखा, और जिन पर 65 रुपए की गोली खर्च करनी थी उन्हें बिरयानी और मुर्गे परोसे गए हैं इस देश में। 250 बुद्धिजी ने 2:30 बजे रात को जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं कि उस हत्यारे याकूत मेमन के बच्चे छोटे हैं तो माफ कर दी जाए उनकी फांसी। पर मुझे माफ कीजिएगा कि हमारे देश के मेजरों, कर्नलों, अफसरों और फौजियों की बच्चियां छोटी नहीं रहती जो सैल्यूट करके अपने पिता के चिता को आग दे रही होती है। कोई लड़की विश्व सुंदरी बनती है तो वो हमारा गौरव है, मैं मानती हूँ, वो हमारा अभिमान है, मैं ये भी मानती हूँ, पर उनके बारे में आप अपने घर परिवार में बात कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर दिनेश MN और कुलभूषण यादव जैसे लोगों को क्यों भुला दिया जाता है? यहाँ पे नौसेना के एक सैनिक कुलभूषण यादव 6 साल से दुश्मन की गिरफ्त में है, और सियासत तारीख ही नहीं तय कर पा रही है कि घर वापसी कब होगी। 2 बूढ़ी आंखें 6 दिवाली से अपने बेटे कुलभूषण यादव की राह देख रही है। बस अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, आगे मैं बस 2 लाइन बोलने जा रही हूँ कि एक तिरंगा झंडा मेरा युद्धों में रणगान है, एक तिरंगा झंडा मेरा वादा बॉर्डर पर लहराता है, और एक तिरंगा झंडा पहने सैनिक घर को आता है। पर एक तिरंगा झंडा संसद में शर्माता है, पर एक तिरंगा झंडा मेरा संसद में शर्माता है, एक तिरंगा झंडा मेरा जग के चाटे खाता है, एक तिरंगा झंडा मेरा जग के चाटे खाता है, एक तिरंगा झंडा मेरा सीमाओं पर मुस्तैद है, और एक तिरंगा झंडा मेरा पाकिस्तान में कैद है, एक तिरंगा झंडा मेरा पाकिस्तान में कैद है। धन्यवाद। जरूर दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।